नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों के नाम पर भारत बंद का आह्वान करने वाले आंदोलन जीवियों को बड़ा झटका लगा है। आज यानी 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पूरे देश में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे आंदोलन जीवियों की जाहिर की जाहिर रणनीति धरी की धरी रह गई है। तो जिस तरीके से ये भारत बंद का आह्वान किया गया था, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा, तमाम रास्ते बंद रहेंगे, तमाम रास्तों पर धरना प्रदर्शन रहेगा, ये तमाम बातें कही गई थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की इन प्रदर्शनकारी किसानों से भिड़ती नजर आ रही है। दरअसल यह वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें कार में सवार ये लड़की किसानों से उस समय भिड़ गई जब किसानों के द्वारा उसे आगे जाने से रोका गया। और वायरल जो वीडियो है उसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि लड़की जो है, दरअसल उसकी कार उनके जरिए रोकी गई ये कहकर कि आज भारत बंद है, घर से बाहर नहीं निकलना था। जिसके बाद लड़की कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो अपनी मिडिल फिंगर उन्हें दिखाती है और साथ ही गालियां भी उसके मुंह से निकलती है। लड़की का कहना है कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, इस तरीके से वो ये सवाल उनसे करती है। लेकिन किसानों के समझाने के बाद भी लड़की किसी की नहीं सुन रही है, और इसके बाद वो लड़की अपना फोन निकालती है और उसका फोन छीनने की भी कोशिश वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो करते हैं। और ये वीडियो अब इस तरीके से वायरल हो रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कुछ लोग लड़की पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ प्रदर्शनकारी किसानों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का आह्वान आज किया था, राकेश टिकैत से लेकर गुरनाम सिंह चढ़नी और तमाम आंदोलन जीवियों के जरिए ये कहा गया था कि आज पूरा भारत बंद रहेगा, लेकिन देश के जो अलग अलग व्यापारी संगठन हैं उन्होंने भारत बंद को समर्थन नहीं करने का फैसला किया और इससे किनारा कर लिया, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली NCR के साथ साथ पूरे देश भर में दुकानें और साथ ही व्यापारी, इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो पूरी तरीके से खुले रहे हैं, सामान्य तरीके से ही कामकाज चलता रहा है। ना सिर्फ राजधानी दिल्ली और NCR की बात की जाए तो इसके अलावा केरल तक भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां भी लोगों का ये कहना है कि इस बंद का कोई भी असर केरल में नहीं हुआ है। वहां पर भी सामान्य तरीके से ट्रैफिक चला है, सामान्य तरीके से वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगी बिल्कुल हर रोज की तरह है, कोई भी असर भारत बंद का देखने को नहीं मिला है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं भी इस बंद का कोई असर नहीं हुआ है। और इसका बड़ा कारण जाहिर तौर पर यही है कि कई बड़े किसान संगठनों ने ये कहते हुए इस भारत बंद से दूरी बना ली थी कि दरअसल ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये उपद्रवियों का आंदोलन है। तो वहीं नेताओं का भी कई जो है आंदोलन से दूर रहे, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हैं उससे ठीक पहले एक बार फिर से कई मांगों को लेकर किसानों ने कि धरना प्रदर्शन की बात कही है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके का उपद्रव हमने शंभू बॉर्डर पर देखा, यानी पंजाब से जो किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और उनके हाथों में जिस तरीके से हथियार थे, उनके हाथों में जिस तरीके से तमाम जो है पत्थर थे और वो पुलिसकर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर फेंक रहे थे, उसके बाद आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए, तो ऐसे में सवाल उठा कि क्या वाकई
लिए ये किसान है या फिर अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ये इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं, तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सरकार से भी लगातार बातचीत जो है वो किसानों की चल रही है। केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो भी लगातार किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकाला जाए, चूंकि MSP पर गारंटी कानून बने ये मांग उनकी है, किसानों को पेंशन की मांग उनकी है, कर्ज माफी की मांग उनकी है। तो ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात इनके जरिए कही गई है। लेकिन आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा भारत बंद खुला किया था, इसका कोई असर जो है पूरे भारत में देखने को नहीं मिला। तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। बात अगर दिल्ली और NCR की ही कर ली जाए तो वहां पर ट्रैफिक जाहिर तौर पर जैम रहा, क्योंकि सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त जो हैं वो पुलिस प्रशासन ने किए थे, तो ऐसे में ट्रैफिक काफी धीमा था। लेकिन हर रोज की तरह कहीं ना कहीं सामान्य तरीके से ही तमाम चीजें चली हैं, फिर चाहे वो पूरा बाजार खुलना हो, फिर चाहे वो शिक्षण संस्थानों का खुलना हो, फिर चाहे वो आम जनों का रोज ऑफिस पहुंचना हो, तो ये तमाम चीजें सामान्य रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं इन आंदोलनजीवियों के लिए, खासतौर पर राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और तमाम जो पंजाब के किसान संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए, जिनका ये भारत बंद का आह्वान था, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति फेल हुई है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। हालांकि उसके बाद भी राकेश टिकैत का ये कहना है कि कल मुजफ्फरनगर में वो एक बैठक करेंगे जिसमें तमाम जो किसान नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पूरे देश में सबसे बड़े जो व्यापारियों का संगठन है कैट, उसने एक दिन पहले ही इस आंदोलन में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी थी। आंदोलन को बेअसर करने में इस घोषणा का भी एक अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि व्यापारी संगठन इसमें शामिल नहीं हुए। इसके एक दिन पहले किसानों ने रेल रोको आंदोलन की भी कोई सफलता नहीं मिली थी, जिस तरीके से पंजाब में हालांकि थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला है, जिस तरीके से वहां पर ट्रेन रोकी गई, लेकिन अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो उसका कोई खास असर हुआ नहीं है। और इसी भारत बंद को लेकर जो उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत बंद का कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस प्रशासन ने बंदोबस्त हैं वो किए हुए हैं, ताकि ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, ये आगे ना बढ़ पाए, तो इनको रोकने के लिए तमाम जो कहीं ना कहीं इंतजाम है वो किए गए हैं। यूपी में सभी जनपदों को अलर्ट किया गया है और ये जो अभी तक जानकारी मिली है यहाँ से, पार्टिसिपेशन कोई बहुत नोटेबल नहीं है, लेकिन सतर्क दृष्टि बनाए रखी गई है। जनपदीय पुलिस और विशेषज्ञ एजेंसियां भी इस पर नजर रख रही हैं। तो इस तरीके से उनका भी बयान सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर देश के 3 से 4 बड़े राज्यों की कर ली जाए, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से राकेश टिकैत आते हैं, इसके अलावा पंजाब से गुरनाम सिंह चढ़नी के अलावा कई जो किसान नेता हैं वो ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये कुछ गिने चुने बड़े राज्य हैं जहां से ये कहीं ना कहीं डर था पुलिस और प्रशासन को भी कि बाहरी आजाद में लोग निकल सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर जैसा कि हमने नोएडा में देखा कि पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझाया जो कि राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, और समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर पुलिस प्रशासन का भी अहम रोल कहीं ना कहीं सामने आया है। और इस तरीके से ये पूरा भारत बंद का जो असर है वो नहीं हो पाया है, शांतिपूर्ण ये पूरा धरना प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं रहा है। कुछ जगहों पर कुछ किसान जरूर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो इस भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कई बाजारों में
में दुकानें अब बंद नहीं थी, संस्थान भी बंद नहीं थे, सरकारी दफ्तर भी बंद नहीं थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो एक योजनाबद्ध तरीके से ये पूरा आंदोलन करने की तैयारी इन आंदोलनजीवियों ने की है, ये किस तरीके से पूरी तरीके से फ्लॉप है। और कहीं ना कहीं शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये एक बार फिर से वो तमाम आंदोलनजीवी हैं जो एक्टिव हुए हैं ताकि सरकार को कमजोर करके कुछ नुकसान उन्हें पहुंचाया जाए, क्योंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में तमाम विपक्षी दलों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। लेकिन कुल मिलाकर इस भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।